किराना की दुकान करनी है या फिर कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है, दोनों ही दुकानों में आप लोगों को फर्नीचर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसमें दुकान के अंदर रैक रखने के लिए कुछ न कुछ तो करवाना पड़ेगा, फर्नीचर या लोहे शीशे का रैक। तो दोनों के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि भैया मैं किराना प्लस कन्फेक्शनरी की दुकान के फर्नीचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ, रैक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी दुकान में फर्नीचर और उसके रैक वगैरह जो काउंटर होते हैं वो बनवा सकते हो, किस रेंज में बनेंगे और क्या क्या उनका साइज होने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ मैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं किराना की दुकान की कि किराना का दुकान का फर्नीचर होना कैसा चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, किराना की दुकान कर रखी है ठीक है, अब उस चीज का फर्नीचर सबसे मेन तो होता है कि उसका काउंटर। आपकी दुकान चाहे कितने भी बड़े साइज की हो, 10x10 हो, 10x12 हो, 12x14 हो, या इससे भी बड़ी हो, 10x20 हो, मतलब कितनी भी बड़ी हो, दुकान का जो मेन एंट्री है वहाँ पे पूरी की पूरी मेन एंट्री पे आपको काउंटर नहीं रखना है। उस जो मेन एंट्री है ना, उसमें आपको 3 फुट तक की जगह का गैप रखना है, कम से कम 3 फुट तक की जगह छोड़ देनी है ताकि कस्टमर सीधा आपकी दुकान के अंदर आए। बहुत से मेरे भाई क्या करते हैं कि दुकान जो बना रखी है ना, जो मेन एंट्री है उसको पूरा को बंद कर देते हैं, अपने आने जाने के लिए थोड़ा सा इस तरह का दरवाज़ा करते हैं, दरवाज़ा टाइप बना देते हैं, बाकी कस्टमर बाहर से ही सामान लेते हैं। ऐसा ना कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा उसका मैं बताता हूँ रीज़न। इसमें क्या होता है कि कस्टमर बाहर से, अब कस्टमर को चाहिए कि एक नमक का पैकेट चाहिए ठीक है, तो वो घर से सोच के आएगा भैया मेरे को एक नमक का पैकेट दे दो, वो नमक का पैकेट लेकर चला जाएगा बाहर खड़ा होकर कस्टमर। दूसरी बात, अगर कस्टमर दुकान के अंदर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान के अंदर आ गया, अभी मैंने काउंटर इस तरह से बनवा रखा है कि कस्टमर डायरेक्ट अंदर आएगा, मेरे को बोलेगा कि भैया मेरे को नमक का पैकेट चाहिए, फिर वो थोड़ा थोड़ा इधर इधर देखता रहेगा, ये सामान भी ये रखा, अच्छा भैया ये भी दे दो मुझे और एक ये भी दे दो, ये मुझे पसंद आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर अंदर आएगा तो उसको कुछ दिखेगा, दुकान पर क्या क्या आइटम रखा है, क्या कुछ नया सामान रखा है, उससे आपको ही फायदा होगा। तो कस्टमर लेने एक चीज़ आएगा, वो आपसे 2 या 3 चीज़ लेके जाएगा। अंदर आने का सबसे मेन पॉइंट, मतलब मेन फायदा यही है जो मेरे ख्याल से कोई बताएगा ही नहीं आपको। मुझे कैसे पता चला, मैंने दुकान कर रखी सिर्फ इसीलिए मुझे पता चला। स्टार्टिंग में मैंने दुकान की थी ना, मैंने काउंटर इस तरह से बनवा दिया कि पूरे का पूरा दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, कस्टमर बाहर से ही आके वापस चला जाता, लेकिन मेरे दिमाग ने थोड़ा सा मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूँ कि कस्टमर डायरेक्ट दुकान के अंदर आए। तो अब कस्टमर डायरेक्ट दुकान के अंदर आता है और वो छोटी से छोटी चीज़ भी लेता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ले लेता है। एक बात ये तो हुई काउंटर की कि आपको काउंटर किस टाइप का बनवाना है, इस टाइप का बनवाना कि कस्टमर अंदर आए और काउंटर में आपका भी काम चल जाए ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं रैक की। देखिए जिस तरह का ये रैक है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनवा रखा है, वैसे आप इतना बड़ा मत बनवाना, आप 1x1 का बनवा लेना। ये मेरे ख्याल से 1x2 का बन गया ये, तो आप 1x1 या 1x1.5 से ज़्यादा मत बनवाना। उसमें क्या होगा, जो आप सपोज कीजिए एक रिफाइंड की पेटी है, रिफाइंड की पेटी में आप इस पूरे काउंटर में वो पूरी आएगी नहीं, कुछ जगह बच जाएगी, दुकान में लगेगा कि जगह खुली है, मतलब कुछ जगह बची हुई है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। मतलब एक ऐसा ये रैक बनवाने हैं आप लोगों को कि भाई उसमें पूरी पेटी वो ही आ जाए, समझ गए। ज़्यादा बड़े भी नहीं बनवा और इतने छोटे भी मत बनवा लेना कि एक पेटी भी ना आए। तो मेरे हिसाब से 1x1 या 1x1.5 का तो बनवा ही लेना। दूसरी मैं बात करता हूँ, आप लोगों को मैं मेरे दुकान के बाहर लेके चलता हूँ। इस तरह का ये आप दिखाई दे रहा है, यहाँ से काउंटर स्टार्ट होता है, ये नीचे देखना यहाँ तक बिल्कुल खाली पड़ी है ये जगह। अब इसका रीज़न बताता हूँ मैं, यहाँ से इतने ऊपर से मैंने स्टार्ट किया है, ये नीचे वाली जगह मैंने क्यों खाली छोड़ी है आपको बता देता हूँ मैं इसके बारे में। ये नीचे वाली जगह खाली छोड़ने का रीज़न ये है, जो काउंटर से मैंने ये छोड़ रखी है 3 फीट ऊपर, यानी कि आपको ज़मीन से 3 फीट ऊपर से काउंटर स्टार्ट करना है, ना कि बिल्कुल ज़मीन के नीचे से ही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके पास दाल भी होगी, आटा भी होगा, चावल भी होगा, कुछ ऐसी आइटम होंगी जो आप इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, समझ गए मेरी बात।
दाल का कट्टा है 30 केजी का है, चावल का है 30 केजी का, 50 केजी का, क्या आप उसके अंदर रख दोगे? नहीं रखा जाएगा। तो उसको आप कहाँ रखोगे? इसके नीचे, जो मैंने आप लोगों को वो जगह दिखाई उसके नीचे रखनी है। पूरी दुकान में नीचे 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 इस तरह की, मतलब फर्नीचर वाला ऐसी सेटिंग करेगा कि इतने इतने आपका सामान रखने की वो 3 फीट की जगह छोड़ के कर देगा। एक बात। दूसरी बात, आपकी दुकान चाहे 9 फीट हो, 10 फीट हो, 11 फीट हो, 12 फीट की हाइट हो, कितनी भी हाइट हो, लास्ट में ऊपर से आपको 1 फीट कम रखना है। मतलब ऊपर के लास्ट में 1 फीट तक दिखाई दे रहा है ना, वहां तक, वो जो मैंने ऊपर तक रैक बनवाया हुआ, ऐसा नहीं बनवाना आप लोगों को भी, इस तरह का रैक नहीं बनवाना आप लोगों को भी ऊपर तक। मैंने बेवकूफ़ी कर दी क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, वहाँ पे सामान रखने की भी आएगी और सामान उतारने की भी आएगी। और दूसरा, जो ऊपर का वो रैक बना हुआ ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उससे नीचे नीचे वाले की ज़रूरत थी, सामान उस पर नीचे वाले पर आएगा, मैंने ऊपर तक भी बोर्ड लगवा दिया। तो आप ये बेवकूफ़ी मत करना। तो ये तो हुआ भैया किराने की दुकान के बारे में, कि किराने की दुकान का आइटम किस तरह से, इतना ही फर्नीचर मेरे ख्याल से 12x14 या 10x12 या मतलब लम्ब समितनी एवरेज में 30,000 तक आपका सब कुछ हो जाएगा। ये तो हुआ किराना की दुकान के बारे में। एक चीज़ इसमें और ऐड कर लेना, अगर हो सके आपकी दुकान का स्पेस ज़्यादा बड़ा है तो कुर्सी की बजाय गद्दी रख लेना। गद्दी समझते हो, मतलब छोटा सा इस तरह का, मतलब 3x3 की चौड़ाई 3x4 का और 4 की लंबाई, इतनी गद्दी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पूरा 15-15 घंटे बैठना पड़ता है किराना की दुकान पे। तो साथ के साथ फर्नीचर वाले से वो गद्दी बनवा लेना, उसमें सामान भी आ जाता है और आपके बैठने के भी काम आएगा। चलिए, ये तो हुआ किराना की दुकान के बारे में, कि भाई 30,000 रुपये में आपका फर्नीचर 10x12 या 12x15 तक का आराम से बन जाएगा। अब बात कर लेता हूँ मैं कन्फेक्शनरी की दुकान की। कन्फेक्शनरी का जो आइटम होता है ना, ऐसे रैक में भी यूज़ होता है वो, उस कन्फेक्शनरी की दुकान के लिए ये रैक भी यूज़ होते हैं और एक रैक यूज़ होता है ग्लास वाला, शीशे वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा, मेरे बहुत भाई ऐसे हैं जो कम बजट है और जिसका ज़्यादा बजट भी है ना, वो भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, शीशे वाला रैक लगवाना। अब उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात, ये वाला रैक आपको कॉस्टली पड़ेगा लकड़ी का। शीशे का रैक कितनी भी बड़ी दुकान हो, 15 से 20 हज़ार रुपये में, बड़ी सी बड़ी दुकान में, पूरी दुकान में शीशे के रैक लग जाएंगे। दीवार में फिट कर देते हैं इस तरह शीशे और उस पर सामान स्टेप बाय स्टेप रखते चले जाते हैं इस तरह के। कन्फेक्शनरी की दुकान में होता क्या है, उस कन्फेक्शनरी की दुकान जो होती है उसमें आपको साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस दुकान में सफाई रखने के लिए बाहर कन्फेक्शनरी की दुकान के दोनों साइड, मतलब एक साइड के तो होस के तो आधी दुकान में शीशा ज़रूर रखवाना, सामने फ्रंट पे शीशा ज़रूर लगवाना। दूसरा, जिस तरह मैंने बताया कि शीशे के रैक लगवाने आपको ऐसे दीवार में एक, फिर मतलब एक एक फुट के, उसमें होगा क्या, शीशे पे सामान लुक में बहुत बढ़िया लगता है और सामान थोड़ा भी होगा ना वो ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए ये कन्फेक्शनरी के, ये तो है ही कन्फेक्शनरी के आइटम, ये 4 पैकेट है, सपोज कीजिए ये 4 पैकेट आपको इस रैक में इसमें रखने हैं, ये थोड़े दिखेंगे और अगर शीशे के में रखोगे ना इस 4 पैकेट को, ये बहुत दिखेंगे और लुक में भी अच्छे लगेंगे, चाहे किसी भी कैसे भी हों लेकिन आपको अच्छे लगेंगे। जिस तरह का मैंने ये बताया, ये आइटम ये शीशे के रैक में ही अच्छे लगते हैं, लुक में अच्छे लगेंगे, सामान ज़्यादा दिखेगा, शीशे में सबसे ज़्यादा सामान दिखता है। और दूसरा, सबसे अच्छी चीज़ के कॉस्ट फर्नीचर की बराबर में जीरो, आधी कॉस्ट आती है, आधी 50% कम हो जाएगी, मतलब जीरो सॉरी 50% कम कॉस्ट हो जाएगी। और दूसरा, फर्नीचर गल जाएगा 10 साल में 5 साल में, उसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं सालेगा, वो ऐसे कैसे निकल जाएगा दीवार से, अगर दुकान शिफ्ट करनी है ना ऐसे कैसे निकालो, दूसरी दुकान में लगा दो जाके, अगर किराए की दुकान है तो, मतलब बहुत बेनिफिट है इस चीज़ के। और इसकी कॉस्ट भी मैंने आप लोगों को बता दी कि 15,000 रुपये में बड़ी से बड़ी दुकान में, यानी कि मान के चलिए कि 15x20 की दुकान, 14x20 की दुकान, 10x14 की दुकान या 12x14, इतनी बड़ी दुकान में आराम से हो जाएगा, दुकान भी अच्छी लगेगी, स्टैंडर्ड भी लगेगा और कन्फेक्शनरी की दुकान की जो लुक होनी चाहिए वो लगेगी अच्छी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर मेरे भाई जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो देख रहे हैं कि भाई शीशे का ही रैक लगवाना, बाद में पछताना मत।
तो ये हुई मेरी दोनों वीडियो किराना प्लस कन्फेक्शनरी के भाई फर्नीचर के बारे में बहुत मैसेज आते थे, मैंने इस पे वीडियो बना दी और इससे अच्छा सुझाव आप लोगों को कोई देगा भी नहीं। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे सब और पसंद आई होगी वीडियो, मेरे ख्याल से तो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि जितना मैंने नुकसान ऊपर नीचे किया आपका नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे मेंशन कर दिया मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी @thelathwalrider, जो मेरा यूट्यूब का दूसरा चैनल है @thelathwalrider, उसी की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @thelathwalrider, तो आप इस पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।